हाय गाइस, दिस इज़ आर्किटेक्ट इन हिंदी। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं आज की अपनी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊँगा व्हाट्सएप के कुछ स्टेटस के प्राइवेसी के बारे में, कि आप जो है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जो है प्राइवेसी कैसे लगा सकते हैं। यानी कि आपको जो स्टेटस, जब भी आप अपना व्हाट्सएप के जो है स्टेटस लगाते हो तो वो हर एक को ना दिखे, आप ही कुछ एक्सेप्शनल, मतलब जिसको आप सिलेक्ट करो सिर्फ उन्हीं को दिखे, तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना होगा। तो चलिए बढ़ते अपने इस वीडियो की ओर। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, और साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो गाइज, उसके लिए आपको जो है अपने व्हाट्सएप को जो है ओपन करना होगा। जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आपको जो है अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो बीच में स्टेटस, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको क्या है, आपको ऊपर तीन डॉट दिखेंगे यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा स्टेटस प्राइवेसी और दूसरा आएगा सेटिंग। तो आपको जो है स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, पहला है माय कॉन्टैक्ट, दूसरा है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्शनल, और तीसरा है ओनली शेयर विद। तो इनका मतलब बताता हूँ, अगर आप माय कॉन्टैक्ट पे करते हो क्लिक तो क्या है कि आपका जब जो स्टेटस जो लगाओगे तो आपका जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है, यानी कि आपके सेव नंबर है या आपका नंबर जिसने सेव कर रखा है, तो क्या है वो स्टेटस जो है उन सभी को दिखेगा। और दूसरे ऑप्शन पर दिख रहा है आपका माय एक्सेप्शनल, इस पर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्शन पे क्या है कि आप जिस पे ही सिलेक्ट कर पाओगे कि जिस कॉन्टैक्ट पे ही, सिर्फ उसी को जो आपका स्टेटस दिखेगा बाकी को नहीं दिखेगा। और तीसरे का जैसे आपको जो है, अगर आप इस पे तीसरे पे क्लिक करोगे तो क्या कि अगर आपको सिर्फ अपना स्टेटस किसी पर्टिकुलर, यानी कि एक या दो किसी के पास जो सेंड करना है स्टेटस, तो आप इस पे क्लिक करके सिर्फ उन्हीं को जो है शेयर कर सकते हो। तो अभी आप चलेंगे सेकंड ऑप्शन की ओर, जिसमें आपको बता देता हूँ कि आपको जो किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास, यानी कि सिलेक्टेड आपके जो कॉन्टैक्ट में है उन्हीं को अगर आपको जो है स्टेटस शो कराना है, यानी कि बाकी को सभी को नहीं कराना है, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना होगा। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे तो लिस्ट आपके जो है यहाँ पर सारी आ जाएंगी। तो जितने भी आपके सेव होंगे नंबर, यानी कि सारे कॉन्टैक्ट्स जो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है हर एक के उसके आगे आप देख पाओगे, अभी ये मेरे पे लाल डॉट लगी हुई है, यानी का मतलब आपके जो है ऐसे भी विदाउट क्लिक किए हुए होंगे आपके दो है। अगर आपको इनके इनका जो है इन कॉन्टैक्ट को जो आपको अपना, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं इन पे मैंने अभी कोई टिक नहीं लगा रखा है। तो क्या है कि जैसे मैं स्टेटस लगाऊंगा तो आपको इनको भी जो है मेरा स्टेटस जो शो होगा। अगर मैं जैसे ही मेरे को ये आप दिख रहा है पहले नंबर पे, मैंने इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये रेड रेड क्लिक हो गया। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्टैक्ट को जो इनके जो मेंबर है, जिसे मतलब जिसका ये नंबर है, तो उसको जो है मेरा स्टेटस जो है शो नहीं होगा। जैसे मैं इन पे और पे भी लगा देता हूँ तो जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या है कि उसको जो है मेरा स्टेटस जो है वो शो नहीं होगा। तो और जिन पे मैं क्लिक नहीं करूँगा तो उसका उनको वो मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो शो हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, उनको सेलेक्ट करके आपको नीचे ये राइट क्लिक का ऑप्शन आया हुआ दिखा होगा, या ग्रीन कलर का जो टिक का ऑप्शन आया, आपको इस टिक पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर टिक कर दोगे तो क्या है कि और फिर आपको आप डन पर क्लिक करना है। बस जैसे आप इस पर डन पर क्लिक कर दोगे तो क्या है कि आप जैसे भी अपना स्टेटस जो है लगाओगे तो क्या है कि जिन जिन पे आपको जो है टिक नहीं लगाया था आप कॉन्टैक्ट पे, सिर्फ उन्हीं को जो आपका व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो शो होगा, और जिन पे आपने टिक लगाया था उन पर शो नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में जो है नीचे टाइप कर सकते हैं कि आपको जो है कौन सा सेटिंग जो है समझ नहीं आई, तो मैं इसको जो है दोबारा आपको बता दूंगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।